कई दिनों से बारिश नहीं होने से हर शख्स की नजर आसमान पर थी, कब पानी गिरेगा और कब इंसान को सुकून मिलेगा। लेकिन कुदरत को अपने बंदों से इतना प्यार है कि वह पल भर में बरसों की प्यास बुझाने बरस पड़ा। कल से इंदौर शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आज कुदरत को अपना रूप दिखाना था और देर रात से ही इंदौर शहर को पूरा जलमग्न कर दिया। जब हमारी टीम ने इंदौर शहर का दौरा किया और देखा तो यशवंत सागर से लेकर शेरपुर तालाब तक पूरे यौवन पर हैं, और जब हमारी टीम इंदौर के सीलम बस्ती से लेकर खान नदी पर पहुंची तो आज का मंजर देखने लायक था, जिसे देखने के लिए सुबह से ही शहर की जनता जैसे ही पानी बंद होता है वैसे ही सड़कों पर निकल पड़ती है और कुदरत के इस मंजर को देखकर लोग वाह वाह कर उठे। लेकिन वही एक और ऐसे भी लोग थे जो पानी के इस कहर से दर बदर हो गए और प्रशासन अपने आप को सतर्क बता रहा था। हमारी टीम ने सिकंदराबाद का दौरा किया एवं वहां की जनता ने हमारे आगे अपना दुखड़ा रोया और कहा कि प्रशासन ने अभी तक हमारी सूद नहीं ली है। यह सारा मंजर हमारे विशेष संवाददाता जाहिद खान और कैमरामैन नीदा खान ने रिकॉर्ड किया है। बारिश ने इंदौर शहर को झकझोर कर दिया और खास जो इंदौर शहर गर्मी से बेहाल था, आज इनके चेहरों पर खुशियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ दर्शक यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं पानी की वो नदियाँ, खान नदी जो खामोश थी आज अपने पूरे यौवन पे है और कलकल करते हुए आवाज नजर आ रही है। हम तो उन लोगों से बात करते हैं कि आज रात में जो पानी बरसा, कुदरत ने जो अपना रूप दिखाया, वो कैसा है और ये कैसा महसूस करते बताएं आप। सर एक्चुअल में बहुत दिनों बाद पानी गिरा है, क्योंकि मेरे को देखते देखते हमें 20-25 साल हो गए, 20-25 साल में आज पहली बार इस लेवल पर पानी आया है। लेकिन अभी इंदौर जो प्रथम आया है उसकी पोल भी खोल रहा है, क्योंकि इंदौर फर्स्ट आया है और कचरा नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन देख रहे हैं कि नदी के अंदर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। आपका नाम? विलास विभांडी। करना चाहिए, उसने बहुत अच्छा पानी भरवा दिया है और पानी की पीने की और उसकी जो समस्या थी वो सब खराब हो जाएगी। आपका नाम? मोहम्मद सईद। देखने जो आए हैं उनको दिखाएं कि इंदौर शहर में जैसे पानी थमा लोग अपने घर से निकल चुके हैं और यहाँ का वो मंजर का लुत्फ उठा रहे हैं जिन्होंने बरसों बाद इस नदी को अपनी पूरी जवानी पर देखा है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी पानी भरा हुआ ही नहीं देखा, आज ही देख रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा, मेरे कैमरा मैन से कहूँगा और आगे आए और बताएं अपने दर्शकों के सामने कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी इंदौर शहर में आज जो पानी गिरा है और जो नदियाँ खामोश थी, जो नाले खामोश थे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? ये जो दुखदपुर है बोले हुआ छिपरा नदी है, वहाँ पे छिपरा, चंद्रभागा और खान तीन नदियों का संगम है। हमारी मदर वहाँ पे नाव में घूमी है, बताती थी नहाने जाते थे लोग, और आजकल नाले में परिवर्तित हो गई है। तो संगम कैसा रहा है इसमें? बहुत बढ़िया कैसा वो बताती, हमने तो देखा नहीं है। 66 रनिंगों में फिर कौन सा वक्त होगा, कौन सा सन होगा? वो होगा लगभग 50-52 के आसपास। आपका नाम? मेरा नाम महेश देवरिया। बताएं आप यहाँ की हालत क्या है और क्या मामला दिख रहा है? कुछ लोग जो पानी बरसात में अंदर फंसे थे सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया है और अभी स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जनहानि ऐसा नहीं। तो कितने लोगों को निकाला गया है, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही? बिल्कुल, जो हम लोग रही, हम साथ में गए, हमारे ये लोग भी तो साथ में गए, सब निकाले, सब पहुंचाए सुरक्षित जगह पर, धर्मशाला पहुँचा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जनहानि नहीं। आपका नाम? डीएल पांडे, थाना कोतवाली। पानी का जो रात में पानी बरसा उसको लेकर आपका क्या इंतजाम रहा, प्रशासन क्या कर रहा है और अभी आप हमारे यहाँ थाना अमी रोड क्षेत्र में सुरक्षित है, कहीं पानी का भराव नहीं है, पुलिया पे जरूर थोड़ा सा पानी आने की संभावना है, तो दोनों तरफ बैरिकेड लगा के पर्याप्त 213 करोड़ तो हमने तैयार रखा हुआ है, बार बार अनाउंसमेंट करके पब्लिक को अपने घरों में रवाना कर रहे हैं। कहीं भी अभी कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, सब जगह सुरक्षा है और देखने में आया। खासकर आपका थाना क्षेत्र जो है डूब में आता है, अभी तक ऐसी कोई सूचना है, कोई जनहानी हो या मान क्षेत्र बिल्कुल नहीं आता है, बस ये जो नगर निगम जहाँ पीछे आप देख रहे हैं
वहाँ पर जरूर पानी ऊपर आने की संभावना थी, लेकिन अब निरंतर कम होता जा रहा है, तो वो संभावना भी खत्म हो गई। आपका नाम? राजीव चतुर्वेदी, थाना प्रभारी एनजीओ। तो ये था आज IDA9 न्यूज का पूरे इंदौर शहर कहीं जहाँ जहाँ पानी अपनी लबरेल दे और शेरपुर हो, यशवंत सागर हो, सबके मुहाने खोल दिए गए हैं और चंद घंटों में कुदरत ने अपनी ताकत को दिखाया। कैमरामैन निदा खान के साथ जाहिद खान, IDA9 न्यूज, इंदौर।